जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। आखिर क्या है मामला, कृपया वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी अपडेट आप तक पहुंच सके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन के लंबा खींचने से चिंतित है। इससे संबंधित उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चौटाला ने प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी में आंदोलनकारी किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3-4 वरिष्ठ मंत्रियों की समिति बनाई जाए, जो किसान नेताओं के साथ दोबारा से बातचीत शुरू कर सके। दुष्यंत चौटाला का मानना है कि किसान आंदोलन इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, यह चिंता का विषय है। दिल्ली की सीमा पर बैठा किसान हमारा अन्नदाता है, हमें उसकी चिंता है। किसानों से दोबारा बातचीत करनी चाहिए ताकि आंदोलन को खत्म किया जा सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चिट्ठी में गेहूं की खरीद की जानकारी भी दी गई है। उन्होंने बताया कि रबी की 6 फसलों को हरियाणा में MSP पर खरीदा जा रहा है। दुष्यंत से पहले किसानों से बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अनिल विज भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्थर लिख चुके हैं। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर आंदोलनकारी किसानों से बातचीत शुरू करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अब फिर से आंदोलन पर बैठे किसानों से बातचीत की जाए, ताकि समस्या का समाधान निकल सके और जो सीमा पर आंदोलन करते हुए किसान बैठे हुए हैं, उन्हें बातचीत के जरिए समाधान निकल सके और आंदोलन खत्म हो सके। बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।